नमस्कार. आज आपण आलो आहेत वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय संस्थान म्हणजेच वॅबनिकॉम यामध्ये कॉपरेटिव्ह सेक्टरमधल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना किंवा या संस्थामध्ये विद्यार्थी घडवले जातात जे सहकार क्षेत्रामध्ये कार्यरत पुढे भविष्यात त्यांच्या होतील. आणि आज आपल्यासोबत आहेत हेमा यादव, वॅबनिकॉमच्या संचालिका. नमस्कार हेमाजी. मुझे पहले बताइए, ये जो सहकार क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसकी शुरुआत की यात्रा कैसी रही? इस संस्था में आने से पहले मैं जयपुर की एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नियाम के नाम से है, जहाँ पे मैं 15 साल से कार्य कर रही थी. और मुख्यतः मैंने जो काम किया उसके अंदर ये था कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंदर बिजनेस के संभावनाओं को हम बढ़ा सकें और एक्सेस टू मार्केट यानी कि किस प्रकार से हम बाज़ार की उपलब्धि हम इसको इंक्रीज कर सकें. तो हमने कई महिलाओं समूह से हमने काम किया, रिसर्च की और ट्रेनिंग की, जिसके द्वारा महिलाओं को आगे से आगे बढ़ करके एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर अपना कार्य करने के लिए हमने सक्षम बनाया. साथ ही वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैंने असम क्षेत्र में जाके काम किया, जहाँ पर महिलाओं की अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझा, उसमें से इनसाइट्स बना करके हमने रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, जिसमें कि हमने बोला कि किस प्रकार से महिलाओं को आगे लाने के लिए हमको एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी. अभी ये होता है ना कि जब हम बात करते हैं महिला सक्षमीकरण या वीमेन एम्पावरमेंट, तो सिर्फ वीमेंस डे पे ये बातें होती है या नवरात्रि में बातें होती है, तो आपके दृष्टिकोण से महिला सक्षमीकरण क्या है? यह आपने सही कहा कि महिलाओं को हम कुछ ही एक दिन जो होते हैं साल में, जिनको हमने महिलाओं को हम उनके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, स्लोगन्स देते हैं, लेकिन महिलाओं को हमें प्रत्येक दिन उनको पहचान करके उनको हमेशा हमें सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं जो है हमारे समाज में एक अभिन्न अंग हैं. महिलाओं की जो क्षमता है वो बिल्कुल अपार है, जिसको कि हमें पहचानने की ज़रूरत है. और अब समय है कि जहाँ पर कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज और फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा हमें महिलाओं को सक्षम बनाना पड़ेगा. जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल यही नहीं कि उनके पास फाइनेंस हो या उनके पास बाजार हो, सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं के सारी एबिलिटीज़ को, उनकी सारी क्षमताओं को पहचान करके उनको हमें आगे लाना पड़ेगा. और समाज के अंदर उनको एक बार हम आगे लेके आते हैं तो समाज के अंदर वो पूरे परिवार की तरह आगे लेकर के आती हैं और एक एक प्रकार का इफेक्ट आता है, जिसमें कि हम एक पारदर्शिता, गवर्नेंस, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट को देखते हैं, तो उसी प्रकार से एक देश आगे बढ़ता है. तो एक विकसित भारत की जब हम संकल्पना करते हैं तो उसके अंदर महिलाओं की एक अभिन्न भूमिका रहेगी. और महिलाएं ना केवल बाज़ार या व्यापार या बिजनेस के अंदर, साइंस से लेकर एजुकेशन से लेकर के स्पेस साइंस, जैसे हमने देखा अपने देश के अंदर महिलाओं की एक जो भूमिका है उसको हम बहुत वृहद रूप से देखें, सशक्तिकरण करें, उनको जहाँ पर भी उनके मार्ग में कहीं पर कोई बैरियर्स आते हैं उसके बैरियर्स को हम, गैप्स को हम कम करें और उनको हम सारे सुगमता प्राप्त करें, जिससे कि वो अपनी संभावनाओं को लेकर देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके. बराबर है. अभी सहकार से समृद्धि, ये हमारा मूल मंत्र है सहकार क्षेत्र का, तो फेमिनाइन नेचर ही ऐसा है कि कुछ समृद्धि लानी है तो महिलाओं का एक नाम लिया जाता है, या किसी भी चीज़ में बदलाव लाना है तो महिला, अभी कुटुंब व्यवस्था देखो, हम कौटुंबिक फैमिली जो भी है वहाँ जब बदलाव आता है तो वो महिला ही ला सकती है. अभी सहकार क्षेत्र में सहकार से समृद्धि जो हो रही है, सहकार क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव हो रहा है, तो महिला कैसे कार्यरत है इस क्षेत्र में? हमारे देश की एक धरोहर रही है सहकारिता के माध्यम से हमने अपने विकास को प्राप्त किया है. पूरे विकास का यदि आप मार्ग देखें आप, तो विगत 100 वर्षों से जो सहकारिता का मॉडल है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत प्रशस्त मॉडल है, एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि हम पूरे विश्व को ये प्रलिषित कर सकते हैं कि हमें सहकारिता के माध्यम से ही कलेक्टिवली सभी लोगों को साथ जोड़ करके, जन समूह को जब हम साथ लेते हैं तभी जाकर के विकास होता है. और सबसे अच्छा माध्यम है सहकारिता, क्योंकि सहकारिता एक डेमोक्रेटिक मॉडल है जिसमें कि जितने भी जो मेम्बर्स और सदस्य हैं उनके हाथ के अंदर पूरा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने का दायित्व होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा सदस्यों को साथ में मिल करके एक हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट मॉडल यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. वुमन इन कोऑपरेटिव्स एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे विकास का मॉडल है.
जहाँ पर डेयरी की हम बात करते हैं तो अमूल के अंदर जो महिलाओं ने मिलकर के डेयरी के अंदर एक समृद्धि प्राप्त की है वो न केवल एक देश के लिए पूरे विश्व के अंदर एक एग्जाम्पल है। महिलाओं के ने दूध को एकत्रित करके एक बेहतर मूल्य प्राप्त करके उन्होंने पूरे जीवन में अपना संवर्धन किया है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पूरे परिवार के अंदर एक समृद्धि लाने का एक आपके सामने एक मॉडल है कि रूरल इकोनॉमी से कैसे देश विकास करता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम ये देखते हैं कि महिलाओं को न केवल डेयरी लेकिन उनको शहर के जितने भी प्रोग्रेस हैं उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उनके लिए हमको एक माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, छोटे लोन्स जिसके द्वारा वो अपना एक छोटा व्यवसाय चला सकती हैं या अपने परिवार की जो जितनी भी समस्याएं उसको पूर्ण कर सकती है। माइक्रो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रिस्क भी बहुत है, तो वुमन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो रिस्क कैसे कवर करेंगी उसकी हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ पर दूसरा मॉडल है कोऑपरेटिव्स का सेवा मॉडल, जिसके अंदर की पूरी महिलाओं को जोड़ करके एक अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है कि वुमन इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पर कि हम चाइल्ड केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, होम सर्विसेज की हम बात करते हैं, वहाँ पर महिलाओं ने इनफॉर्मल होकर के अपने यूनियन बना करके कोऑपरेटिव बना करके वो पूरे समाज के अंदर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। सेवा है, अमूल है, महिलाओं के कई माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं पुणे के अंदर, जहाँ पर भगनी निवेदिता बैंक है, ये अपना अन्नपूर्णा बैंक है, जीजा माता बैंक है, इन सब के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल बैंक है। ये एक बहुत ही अपने आप में एक अच्छा एग्जांपल है कि वुमन इन कोऑपरेटिव्स, यानी कि कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम फाइनेंस, एजुकेशन से लेके बिजनेस से लेकर के हमने एक मॉडल प्रोड्यूस किया है। और वुमन एम्पावरमेंट के लिए सबसे अच्छा मॉडल यदि है तो सहकारिता है, क्योंकि महिलाओं को जोड़ करके वहाँ उनको एक सशक्त करके हम चाहते हैं कि वो विकास के मार्ग के अंदर आगे आए। अभी वैमनिकॉम का आप पूरा जिम्मा उठा रहे हैं, वैमनिकॉम के आप डायरेक्टर हैं, तो वैमनिकॉम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है जिससे विमेन एम्पावरमेंट तो है ही लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, जो फीमेल स्टूडेंट है, उनको आप कैसे इंस्पायर करती है या क्या क्या एक्टिविटीज़ वैमनिकॉम में होती है? वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था विगत 5 दशक से सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण के द्वारा हमने इस क्षेत्र के अंदर एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारी संस्था के जो कार्यक्रम होते हैं प्रशिक्षण के द्वारा, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण और शिक्षा एक हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, यानी कि 5वां प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल और आदर्श को चलते हुए यह माना जाता है कि जितने शिक्षित होंगे, जितने प्रशिक्षित होंगे, उतना ही मजबूत हमारा सहकारी का एक मॉडल होगा। तो सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण के द्वारा हमारे पास अनेक प्रकार की कोर्सेज हैं, स्पेशल कोर्सेज हैं महिलाओं के लिए। अभी हाल ही में हमने एक कोर्स किया जिसमें कि हम फिशर वुमेन्स के अंदर, जो मछली के क्षेत्र के अंदर, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की महिलाओं को हमने जोड़ा, जो कि एक कम्युनिटी से थी। उनको जब हम अपने यहाँ के क्लासरूम्स के अंदर बैठा कर जब हमसे चर्चा करते हैं तो हमें जो उनकी जो समस्याएं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनको समझने में हमें बेहतर मिला। और हम ये चाहते थे कि फिशर वुमन के लिए हम कुछ बेहतर तरीके से हम एक स्कीम बनाएं, एक उनके लिए एक और अच्छी ट्रेनिंग दे रखें और अच्छे से उनको बाज़ार से जोड़ें। तो वुमन इन फिशर, वुमन इन डेयरी, वुमन इन फाइनेंस, वुमन इन बोर्ड, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हाल ही के अंदर मंत्रालय ने कई ऐसे अनोखे कदम बढ़ाए हैं जो कि जिसके लिए पूरा एक विकसित भारत की संकल्पना की है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर महिलाओं को हमें लेना होगा, मतलब ये एक इतनी बड़ी पहल है जिसमें कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर 2 महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। अब महिलाओं को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बनने के लिए हमें एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। और वैमनिकॉम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वुमन मेंबर्स को लिए, महिलाएँ जो कोऑपरेटिव्स की सदस्य हैं उन सबको हम ट्रेन कर रहे हैं। डायरेक्टर्स के लिए रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, किस प्रकार से मीटिंग्स कन्वीन करनी है, किस प्रकार से हमें एक सहमति प्राप्त करनी है, नेगोशिएट करना है, ये सारी स्किल्स हैं जो कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, जिससे कि बोर्ड में आकर के उनका असली एम्पावरमेंट होगा। लीडरशिप के रोल के लिए हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ रिसर्च भी होता है, रिसर्च भी होता है, क्योंकि देखिए रिसर्च के माध्यम से हम लोग एक वैलिडेटेड डेटा निकाल पाते हैं। बिना वैलिडेटेड डेटा के यदि हम कुछ प्लान बनाना चाहते हैं या कोई हम सरकार को अनुशंसा देना चाहते हैं तो वो फुलफिल नहीं होता। तो हमने यहाँ से काफ़ी सारे केस स्टडीज़ हमने दिए वुमन की। अभी हमने 75 केस स्टडीज़
गुड प्रैक्टिसेस ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी कि देश भर की 75 कहानियों को हमने संजोया कोऑपरेटिव्स के अंदर, और जो है आज़ादी के 75 वर्ष को मार्क करने के लिए इस किताब का हमने संकलन किया, जो कि हाल ही में माननीय मंत्री जी अमित शाह जी ने उसको लॉन्च किया। इसका ध्येय यह है कि सहकारिता और स्पेशली वुमन जहाँ पर हैं, उन सबको हमें पहचानना पड़ेगा, इसको हमें एनकरेज करना होगा। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस किताब को पढ़ें और समझें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ना होगा और जुड़ करके हमको आगे हम बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लद्दाख के अंदर एक महिलाओं का ग्रुप है जहाँ पर कि उन्होंने पश्मीना शॉल जो बना रहे हैं वो कोऑपरेटिव के माध्यम से बन रहा है और एक्सपोर्ट होता है। उनको डिज़ाइंस की ज़रूरत है, उनको बेहतर मशीन्स की ज़रूरत है, तो वो हम कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इस तरह से आर्ट कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। जो डिज़ाइंस आते हैं या टेक्सटाइल्स के अंदर है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, वो भी हम कोऑपरेटिव के माध्यम से वुमन को बेटर ट्रेनिंग दे करके हम आगे चल रहे हैं। तो वैकुंठ मेहता वेमडिकॉम इंस्टीट्यूट के अंदर हम रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, एजुकेशन करते हैं। एजुकेशन के अंदर मेरा मानना है कि जितने हम गर्ल्स को हम इस फोरम के अंदर लेके आएंगे एडमिशन के अंदर, तो उतना ही बेहतर होगा। तो जब हमने प्रशिक्षण की, जब हमने इस बार आंकड़े देखे, तो मैंने पाया कि हमने जो हमारे स्टैंडर्ड है कि कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए ट्रेनिंग के अंदर, हमारे ट्रेनिंग के अंदर 50% भागीदारी इस बार वुमन की थी। जब हम बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन में 30% आपके पास गर्ल्स होनी चाहिए, तो हमारे प्रोग्राम में 50% गर्ल्स हैं। देश के सभी यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ पर गर्ल्स आती हैं और ये जितने भी हमारी छात्राएं हैं ये बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हैं। कंपनीज उनको आगे बढ़ करके अपने यहाँ पर उनको बेहतर प्लेसमेंट के अवसर देते हैं, 100% प्लेसमेंट्स हैं। तो आगे से आगे हम गर्ल्स स्टूडेंट्स को, महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अनेक कार्यक्रम हैं। अभी आपने 2 ईयर्स हो गए आपको वेमडिकॉम में, 3 होने वाले, तो मैंने आपको बातचीत करते हुए सुना है कि आपकी स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही यूनिक है कि आप बोलते हैं जिसके अभी राइवरी तो होगी जब हम काम कर रहे हैं, तो जब हम किसी से कॉम्पीट करना है तो आप कोलेब्रेशन करती है, ये इसका थोड़ा सा मुझे डिटेल समझाइए क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रिंसिपल है। हाँ, हम ये बोलते हैं कि हमको साथ आना है ना, हमने कई सालों से ये बात की महिलाओं के लिए कि हमको साथ बढ़ना है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी देश की, भारत की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी चैलेंजेस फेस करती हैं, और इनमें जो आगे बढ़ने की जो शक्ति है और इनके जो एंथुजियाज्म है वो बहुत ही इनक्रेजिंग है। और एजुकेशन में आप देखें तो हमारी स्पेस साइंस, मेडिकल वगैरह, लॉ देखें आप तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमको साथ मिलके काम करना है। नहीं, कंपटीशन है, हमें ये रेकोगनाइज़ करना पड़ेगा, और जिनके साथ कंपटीशन है उनके साथ कॉम्पीट नहीं करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, एक नेटवर्क बनाना है। तो जितने अच्छे आप नेटवर्क्स बनाएंगे उतना ही आपके अंदर एक सामंजस्य होगा और एक क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो यदि आपको लॉ के क्षेत्र में जहाँ पर कि ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है आपका, क्योंकि एक बहुत पुराना क्षेत्र है, तो आपको लॉ, या यदि आप एक महिला लॉयर हैं, आप कॉम्पीट करेंगे तो काफ़ी इसके अंदर एनर्जी निकल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि जो बेस्ट जो लॉयर है उसके साथ आप कोलैबोरेट करके और आप एक बेहतर रूप से आगे पढ़ पाएंगे। तो मेरा ये मॉडल है कि हमको थोड़ा सा और थोड़ा सा और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और रोल मॉडल्स हैं हमारे यहाँ पर, जो उन्होंने प्राप्त किया है वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है, तो उनका जब आप देखोगे तो उन्होंने एक वर्क लाइफ बैलेंस भी है, वो अच्छी एक घर पे काम करने वाली महिलाएं भी हैं, पूरे परिवार के साथ जुड़ करके उन्होंने ग्लोबल लेवल पे आकर के कम्पीट किया है। जैसे IMF के अंदर गीता गोपीनाथ हो या इंदिरा नुई हो, पेप्सी के अंदर या इसरो के अंदर जो साइंटिस्ट जिन्होंने की चंद्रयान में भूमिका निभाई, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स है जहाँ पर हम कोलैबोरेट ही कर रहे हैं। इन महिलाओं ने कॉम्पीट नहीं किया, कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिशन इज अ वीकनेस समटाइम्स, एग्जैक्टली। तो आप कोलैबोरेशन इज अ स्ट्रेंथ, और कोलैबोरेशन इतना ईजी नहीं है क्योंकि कोलैबोरेशन जो है आपको एक्सपीरियंस से आएगा, हाई इमोशनल कोशेंट से एंड पावरफुल इंटेलिजेंस चाहिए। फॉर मी इंटेलिजेंस इज नॉट काइंड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, फॉर मी इंटेलिजेंस इज लुकिंग इन टू दी अपॉर्चुनिटीज टू कोलैबोरेट, टू लिसन, टू टॉक, सो दो स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मैं चाहती हूँ कि कोलैबोरेशन के माध्यम से महिलाएँ आगे आएँ।
और यहाँ बैठ के थोड़ा सा बात करते हैं। आपने बहुत सटीक तरीके से सहकार क्षेत्र में जो महिला कार्य कर रही है उनका पूरा विवरण किया। मुझे अभी एक पर्सनल बात इसलिए पूछनी है क्योंकि आपका ये जो पर्सनल यात्रा है ये एक मोटिवेशन है आगे आने वाली महिलाओं के लिए। जब हम यहाँ भी डेडलाइन होती है या घर में भी कुछ होता है तो ये पूरा बैलेंस हमें करना पड़ता है, तो आप कैसे बैलेंस करती है फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल से? राइट, या ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो घर में जो आपकी जो भूमिका है और जो आपका दायित्व है अपने परिवार की तरफ, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है अपनी सोसाइटी के अंदर। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपके पूरे परिवार के साथ सपोर्ट सिस्टम से ही आता है। आप सोचें कि आप अकेले ही वर्क लाइफ बैलेंस कर लेंगे तो नहीं होता है, तो पूरे परिवार के अंदर आपको इस तरीके से माहौल क्रिएट होता है जहाँ पर कि लोग समझते हैं आपके काम को। वहाँ भी कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन चाहिए, बिल्कुल सही है। तो कोऑपरेशन पहला तो आपके परिवार में ही होगा, जहाँ पर कि आपके घर में यदि कोई एल्डरली बुजुर्ग हैं तो उनको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको भी आगे बढ़ने का रास्ता देंगे, आपको एनकरेज करते हैं और कई बार एडवाइस भी करते हैं। तो मैंने अपने परिवार में मैंने यही पाया कि जो मेरे पिताजी जो हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। पिताजी ने हमको एजुकेशन के लिए कोई रास्ता नहीं रोका और पिताजी ने आगे बढ़ करके हमको ये भी बताया कि किस प्रकार से रोबस्टली आगे बढ़ना है, बिना निडर होकर के बढ़ना है। गलती भी करते हैं तो उस गलती का हम हमेशा उसको वी कैन रीडू इट। सो ही यूज़ टू ऑलवेज से कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी डरो मत और पीछे देखो मत। तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़े। मैं राजस्थान से हूँ, अजमेर से मेरी शिक्षा हुई है, जयपुर के अंदर मैंने पढ़ाई की है और आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे अवसर मिले आगे बढ़ते गए। मेरे घर के अंदर मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, उन सब ने सपोर्ट किया। मेरी दो बेटियां हैं, वो काफ़ी ब्रेव हैं और आगे बढ़ करके वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट और लव से ही आएगा। और आप पहली महिला है जो वेबनिकॉम की डायरेक्टर है, जो फीमेल है, तो मुझे लगता है ये इसमें अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो भी कल्चर डिफरेंस होता है, आप राजस्थान से हो या महाराष्ट्र में आए हो, पुणे में आए हो, तो कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो कैसे आप हैंडल करती है? आप पहली महिला है, पहले उसके लिए अभिनंदन आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वेबनिकॉम की। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बनते हैं और सहकार क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं वो अधिकारी, उनको भी आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको इस क्षेत्र में आते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि मेरे को ये एक सुअवसर मिला इतनी महत्वपूर्ण संस्था का। मुझे जब डायरेक्टर का अवसर प्राप्त हुआ इस पोजीशन को ज्वाइन करने का, तो नंबर वन चैलेंज तो ये था कि मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल 21 में और उस समय सेकंड फेज ऑफ कोविड चल रहा था। मेरी जो सेवाएं थी वो जयपुर के अंदर, मैं एक राष्ट्रीय संस्था में सेवा कर रही थी और मेरे लिए चैलेंज था कि जयपुर से पुणे आना और यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज भी था, जो मैं काम वहाँ पर कर रही थी वो था एग्री बिजनेस का, यहाँ पर था कोऑपरेटिव्स का। कोऑपरेटिव्स के अंदर भी काफ़ी जटिलताएं हैं, काफ़ी टेक्निकल चीज़ हैं जिसमें कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस चैलेंज को थोड़ा सा समझा मैंने और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत किया, इन सेंस कि पढ़ना पड़ा थोड़ा सा। बिना पढ़ाई किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पढ़ाई करके थोड़ा सा लाइब्रेरी यूज़ करके लोगों से बात करके अपने आप को इस पूरे इसमें ढाला। पहला चैलेंज यह आया कि मैं थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस था, लेकिन इस संस्था की एक बहुत अच्छी कल्चर है यहाँ पर हमारी संस्था के अंदर कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अफेक्शनेटली उन लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया। देखिए सबसे बड़ी बात आती है दैट आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको, आप चाहे से कुछ भी हो, आप कितने भी बेहतर हो। तो ऐसे जनरली होता है कि ग्रांटेड पकड़ते हैं कि चलो ये औरत है, तो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है और ऐसे ग्रांटेड भी समझते हैं कि ठीक है ये कर रही है तो हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी, जो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का भी एक अपने आप में कल्चर है कि यहाँ पे उन लोगों ने मेरे को इस तरह से नहीं देखा कि एक ये महिला है और कोई दूसरे राज्य से आई, उन्होंने ऐसा नहीं देखा। उन्होंने मुझे यही देखा कि हम लोगों को इस चीज़ का गर्व है कि अब हमारे पास एक वुमन डायरेक्टर आई है और जो कि हमारी हम इस पूरी संस्था को वुमन के डायरेक्टर के डायरेक्शन के इसको आगे लेके जाएंगे। बहुत रिस्पेक्ट मिला मुझे, बहुत अफेक्शन मिला यहाँ के लोगों ने और आगे बढ़ करके इन्होंने सारी चीज़ों को ऐसा एडजस्ट किया जिसमें कि कहीं पर मेरे को इस तरह का विरोधाभास नहीं आया या कोई मेरे को इस तरह से नहीं आया कि लोग मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। तो उससे मेरे को बहुत मजबूती मिली। महाराष्ट्र कल्चर जो है अपने आप में रिस्पेक्टफुल कल्चर है,
क्योंकि महाराष्ट्र की महिलाएं वैसे भी बहुत आगे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। सेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन सेक्टर को थोड़ा सा समझ लिया, समझ करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ी। चैलेंज दूसरा है कि मेरा परिवार अभी भी जयपुर ही है और मैं यहाँ पे पुणे हूँ। लेकिन अब आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि देयर इज इंटरनेट, सोशल मीडिया है, सो ये चैलेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन चैलेंज ये दूसरे तरह का है। इट इज़ नॉट अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज़ अबाउट बीइंग विद योर फैमिली। बट जैसे मैंने कहा, फैमिली भी समझती हैं। हाँ, तो पूरा सब कुछ मिला करके मंत्रालय से भी पूरा मेरे को काफ़ी एनकरेजमेंट मिला यहाँ के लोगों से। सो यहाँ पे लोग मुझे जो मेरी छात्राएं हैं वो मेरे को अपने आप को रोल मॉडल की तरह मानती हैं। तो दैट्स अ बिग एक्नॉलेजमेंट फॉर मी। और यहाँ पे कई जो मेरी जो महिलाएं जो यहाँ पे काम कर रही हैं वो मुझे अपने आप को एक मानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो अगेन इट्स अ कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, इमोशनल कोशेंट, लिसनिंग टू पीपल। तो मुझे लगता है महिलाओं के वो लिसनिंग की कैपेबिलिटी है वो इमेंस है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे, जिस तरीके से हम सुन सकते हैं और सुनने के बाद समझ सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अलग तरह की मैं आ रही थी कि आप जब बातचीत कर रहे थे तब बोल रहे थे कि साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि महिलाओं के अंदर जो एबिलिटी है ना, वो साइंस से साइंटिफिकली प्रूव है कि मैनेजमेंट होगा, इमोशनली मैनेजमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनेस होगा। तो उसी विषय में हम बातचीत करते हैं, आप जो बोल रहे हो ना, तो क्या वो एबिलिटी है एज पर साइंस? देखिए, इसको कॉग्निटिव एबिलिटीज बोलती हैं। जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो मैन एंड वुमन में डिफरेंस है, राइट? कॉग्निशन, आप जिस तरीके से परसेप्शंस होते हैं हम लोगों के डिफरेंट हैं। तो जब हम वुमन की परसेप्शंस की बात करते हैं तो स्वतः ही हम लोगों को जो श्रवण शक्ति है और जो हमारी ऑब्जर्वेशन की शक्ति है वो बहुत शार्प है। उस शक्ति के बाद जिस तरीके से उस पूरी सूचना को हम जिस तरह से उसको हम प्रोसेस करते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जो हम डिसीजन लेते हैं वो एक बेहतर वैल्यू बेस्ड, एथिक बेस्ड डिसीजंस होते हैं। तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है। हम इसलिए बेहतर सुन पाते हैं क्योंकि हम लोगों को महिलाओं को जो पहली आवाज़ जो आती है वो किस तरीके से आप उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि लिसनिंग कैपेबिलिटी वुमन की जितनी आप शार्पन करेंगे, जितना आप लोगों से आप कनेक्ट कर पाएंगे, उतने ही आप बेहतर इंसान बन पाएंगे। वो मल्टीटास्किंग है, वो हमारे को मुझे लगता है भगवान की द्वारा प्रदत्त एक ऐसी स्किल है कि हम किचन कर सकते हैं, बच्चों का टिफिन भी लगा रहे होते हैं हम लोग, अपना भी काम कर रहे होते हैं हम, उनकी बस भी पकड़नी, उनका होमवर्क भी होता है, घर पे भी काम होते हैं और सब कुछ देखना होता है। मल्टीटास्किंग, आप फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं। हालांकि मैं मल्टीटास्किंग का ये कहना चाहती हूँ कि मल्टीटास्किंग से यू नो हम लोगों को भी बहुत काफ़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन हमें अगेन पूरी एंग्जाइटी टेंशन को कम करके काम करके एक बैलेंस्ड वे के अंदर, ये भी हमारे पास पेशेंस बहुत है। ये भी साइंस प्रूव करता है कि हमें एक बहुत पेशेंस होता है हर चीज़ को, और एक ठहराव है हमारी हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, वो भी हमको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो साइंस की जब बात करें तो साइंस में भी आप देखेंगे कि बिहेवियर्स अलग हैं मैन एंड वुमन के, डिसीजन मेकिंग अलग है। तो ट्रस्ट जो आता है, तो इसी बिहेवियर से ट्रस्ट जो फैक्टर है कि यू विल ट्रस्ट मोर वुमन विद सम वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि मेन नहीं है ट्रस्टवर्दी, लेकिन मेरा ये मतलब है कि जब आप बात करते हैं वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली आता है कि हम जो काम करते हैं वो पूरी निष्ठा से और ट्रस्ट के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही बहुत है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू लॉट ऑफ पीपल, यू नो, अकाउंटेबल टू मेनी पीपल, यू सी। सो अपने आप ऑटोमेटिक आता है। तो सोसाइटी में इन सब चीज़ों को, वही मैं कह रही हूँ कि समावेशिता ला करके, इंक्लूसिविटी ला करके हम आगे बढ़ पाएंगे। जब करियर ओरिएंटेड वीमेन होती है ना, तो एक मेंटल ब्लॉक हमारे सोसाइटी में रहता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसे फैमिली की कुछ पड़ी नहीं है, या ये खुद सेल्फ सेंटर्ड है। ऐसे कुछ मेंटल ब्लॉक अभी भी है, हम जब एम्पावरमेंट या महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं, लेकिन सभी स्तरों में ये सक्षमीकरण गया नहीं है, वो थॉट प्रोसेस जो है अभी शुरुआत है हम तो बोलते हैं। तो ऐसा होता है क्या कभी कभार कि नहीं, ये करियर ओरिएंटेड है, ये सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फ सेंटर्ड वीमेन है, ऐसा कभी आपके बारे में कभी हुआ क्या? हाँ, नहीं, कई लोग सोचते हैं ऐसा बिल्कुल कि काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं आप, और कई लोगों को संशय भी होती है कि भाई आप अपने परिवार का ध्यान दे भी पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो दे आर डाउट्स, क्योंकि हम लोग
हम लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा काम है जो कि अकल्पनिक होता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। आप कहीं ना कहीं तो आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बैलेंस करके लोग आपको परसीव करते हैं कि ये करियर ओरिएंटेड वुमन है तो ये काफ़ी यू नो वो क्लेवर होंगी, और सेल्फ सेंटर्ड जैसे आपने बोला कि ये अपना अपना काम निकाल लेंगी, दोस काइंड ऑफ परसेप्शंस कम। लेकिन मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव परसेप्शंस है, ऐसा नहीं है। जो वुमन इतना आगे तक बढ़ रही हैं, जिस तरह से उत्साह से बढ़ रही हैं, वो लोग क्लेवर तो होना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इट्स नॉट अ इक्वल वर्ल्ड, अनइक्वालिटी है तो थोड़ा सा क्लेवरली तो बढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि आप एक वर्कप्लेस पे काम करते हैं तो आपके हाव भाव भी थोड़े से फास्ट होंगे, क्विक होंगे, तो लोग और आप यदि सोचते हैं कि आप स्लोली चल के आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिशन है आपको, तो थोड़ा सा परसेप्शन अपने आप बिल्ड होता है। दूसरा, क्योंकि हमने अपनी पर्सनालिटी को चेंज भी किया होता है, बिकॉज आप एक एक वातावरण में काम कर रहे हैं तो उस वातावरण के अनुरूप आप अपने आप को ढालते भी हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, बात करते हैं, टॉक्स देते हैं आप, या जिस तरह से आप पहनाव करते हैं, तो वो वातावरण से लोगों के अंदर परसेप्शन बन जाता है। लेकिन उस परसेप्शन से ये नहीं है कि हम अपना दूसरे दायित्व नहीं निभा रहे, वो गलत है दायित्व, हम पूरी तरीके से संपूर्णता से हम पूरा काम करते हैं। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन ऐसे परसेप्शंस को ब्रेक नहीं कर सकते, ना हम कंटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अ परसेप्शन है सोसायटी में, धीरे धीरे खत्म होगा। मंडळी, हेमा यादव यांच्याशी आपण गप्पा मारल्या आणि कार्यक्रमाचा शेवट आपण त्यांच्याच आवडत्या विचारांनी करूया आणि शुभेच्छांनी करूया। खूप धन्यवाद, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ही कोट से यारे विचार से हम इस प्रोग्राम का एंड करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा मानना है कि इस दिवस पे यदि चलने की तैयारी हो तो मंजिलें खुद ही झुक जाएंगी, बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। कम ऑन गाइस, हरी अप। अरे सुनना, एक ब्रेक ले लेते हैं। गाइस आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता, बट दैट्स ओके, यू कैन लर्न। रोज का ढक्कन देना। ये रेड वाला है, सही वाला देना। वे ढक्कन पहले तो सही पानी पीना। माणिकचंद ऑक्सीरिच, proudly Indian.